पिंक सिटी प्रेस क्लब की ओर से पीबीएल 2022 का आयोजन एसएमएस स्टेडियम स्थित बैडमिंटन कोर्ट में किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान क्रीड़ा परिषद की चेयरमैन कृष्णा पुनिया ने बैडमिंटन खेलकर किया, साथ ही साथ खेल को लेकर पत्रकारों का भी उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर कृष्णा पुनिया को पिंक सिटी प्रेस क्लब की सदस्यता दिलाई गई है। अध्यक्ष मुकेश मीणा ने बताया कि प्रतियोगिता में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों ने भाग लिया। लीग संयोजक गिरिराज गुर्जर ने बताया कि बीपीएल प्रतियोगिता में करीब 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इस दौरान महासचिव रघुवीर जागीर, पूर्व अध्यक्ष किशोर शर्मा, नीरज मेहरा, रामफूल गुर्जर, गौरव बजाड, राजीव दासोत, अतुल गुप्ता, कोच यादवेंद्र, अमन कुमावत समेत कार्यकारिणी और पत्रकार साथी मौजूद रहे। ओपनिंग सेरेमनी पे मैं आई थी, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेते हैं। कई बार आप क्रिकेट के टूर्नामेंट में भी आप लोगों के साथ विधायक होंगे टूर्नामेंट हुए, और आज आपने प्रेस क्लब की तरफ से आए थे जो टूर्नामेंट रखा है उसके मैं सराहना करती हूँ। और क्योंकि जो लाइफस्टाइल हमारी जो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, इनकी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी टफ रहती है। 24 आवर जॉब एक टाइप से मैं कह सकती हूँ पॉलिटिक्स की तरह से, और उसमें आप समय दे रहे हैं अपनी फिटनेस को, अपने शौक को पूरा कर रहे हैं।